दोस्तों, स्किल पे के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम फिनलैंड में रहने और खाने के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिनलैंड में रहना और खाना दोनों बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको अकोमोडेशन के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हॉस्टल्स, होटल्स, गेस्ट हाउस, होम स्टेज और वेकेशन रेंटल्स। ये अकोमोडेशन यूजुअली क्लीन और कंफर्टेबल होते हैं, जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। फिनलैंड में आपको बजट होटल से लेके लग्जरी होटल तक कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए इन ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हॉस्टल्स। फिनलैंड में आपको हॉस्टल्स के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो बजट फ्रेंडली और शॉर्ट टर्म स्टे के लिए सही होते हैं। हॉस्टल में आपको डॉर्मेटरी बेड मिलता है और आपको अपना रूम किसी और ट्रैवलर के साथ शेयर करना पड़ता है। फिनलैंड में आपको हॉस्टल्स 1500 से 3000 रुपए डेली तक में मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं अपार्टमेंट्स। फिनलैंड में आपको फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म स्टे की जरूरत है, लेकिन इनका किराया थोड़ा ज्यादा होता है। ये आपको डेली 3000 से 4000 रुपए तक में मिल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गेस्ट हाउस एंड होम स्टेज की। गेस्ट हाउस एंड होम स्टेज एक काफी अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, जो आपको प्रिवेसी और पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करता है। ये आपको लगभग 2000 से 3000 रुपए में डेली मिल सकता है। इसके बाद आते हैं होटल्स। फिनलैंड में कई सारे होटल्स हैं जो ट्रैवलर्स के लिए आइडियल है। होटल्स में आपको कई सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि रूम सर्विस, स्विमिंग पूल, जिम एक्सेट्रा, जिनका आप आराम से फायदा उठा सकते हैं। होटल्स आपको फिनलैंड में डेली 3000 से 4000 रुपए तक में मिल सकते हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल देख सकते हैं। दोस्तों, इन सब ऑप्शन में से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करने से पहले आप अपना बजट और प्रेफरेंस कंसिडर करें। फिनलैंड में यूजुअली अकोमोडेशन की सुविधा आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आपकी कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो आप होटल, गेस्ट हाउस या हॉस्टल अरेंज करने के लिए कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स। फिनलैंड में booking.com, Expedia या अगोडा जैसे कुछ ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जिनके थ्रू आप अपने लिए कोई भी तरह का अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। दूसरा, हॉस्टल एसोसिएशन। फिनलैंड में कई तरह के हॉस्टल एसोसिएशन हैं, जैसे कि होस्टलिंग इंटरनेशनल फिनलैंड, जो वर्कर्स को पूरी कंट्री में अलग अलग तरह के अकोमोडेशन ढूंढने में मदद करती है। तीसरा, लोकल टूरिज्म बोर्ड। अलग अलग लोकल टूरिज्म बोर्ड्स भी आपकी मदद कर सकते हैं अकोमोडेशन का पता लगाने में। वो आपको आपके बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से अकोमोडेशन की जगह बताते हैं। इसके बाद आता है वर्ड ऑफ माउथ। अपने दोस्तों और कलीग से अकोमोडेशन के बारे में पूछना भी एक इफेक्टिव तरीका है। फिनलैंड में आप अपने वर्कर्स और कलीग से पूछ सकते हैं कि वो किस तरह की अकोमोडेशन में रहते हैं, और वो आपको हॉस्टल या गेस्ट हाउस रिकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों, खाने की बात करें तो फिनलैंड में आपको कई तरह के लोकल डिशेस मिलते हैं, जैसे कि मीटबॉल, सॉसेजेस या फिर सी फूड। फिनलैंड का सी फूड काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पे हाई क्वालिटी सी फूड मिलता है। फिनलैंड के ट्रेडिशनल फूड में शामिल है राई ब्रेड, बेरी जैम और साथ ही पॉरिज। अगर आपको वेजिटेरियन खाना पसंद है, तो आपको फिनलैंड में अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। फिनलैंड में कई तरह के वीगन कैफेज और होटल्स हैं, जहाँ पे जाके आप वेजिटेरियन खाना ट्राई कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। आप फिनलैंड में लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं और फूड मार्केट और ट्रेडिशनल लोकल मार्केट में जाके आप खाना ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। फिनलैंड में कई सारे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स बहुत ही आकर्षक हैं। यहाँ के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से है हेलसिंकी, जहाँ पे आपको कई सारे आर्ट गैलरीज, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, आर्ट म्यूजियम्स, कल्चरल पार्क्स, ये सब देखने को मिलते हैं। हेलसिंकी का ओल्ड टाउन भी बहुत ही आकर्षक जगह है, जहाँ पे आपको 18 सेंचुरी की बिल्डिंग्स और नैरो स्ट्रीट्स देखने को मिलती है। फिनलैंड के और भी पॉपुलर स्पॉट्स में से एक है लैपलैंड, जहाँ पे आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने का मौका मिलता है।
लैपलैंड के एक छोटे से शहर को सांता क्लॉस का होम टाउन भी कहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छी घूमने की जगह है। इसके अलावा यहाँ पे स्कीइंग, हस्की राइड्स और आइस फिशिंग जैसे फेमस एक्टिविटीज भी होते हैं। और दोस्तों, अगर आपको नेचर पसंद है तो यहाँ के नेशनल पार्क्स और लेक्स आप लोगों के लिए परफेक्ट है। फिनलैंड के लेक्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, जहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हैं और भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। ओवरऑल फिनलैंड में रहना और खाना दोनों बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको लोकल अकोमोडेशन मिलती है और लोकल क्विजीन का आप लुफ्त उठा सकते हैं। ये सारे टिप्स जो मैंने आपको आज के वीडियो में बताए, ये फॉलो करने के बाद आप फिनलैंड में आराम से सेटल हो पाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और स्किलबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम फिनलैंड के वर्किंग कंडीशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आगे आने वाली वीडियो जरूर देखें।